चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर देख रहे थे आप लोग, एक नॉर्मल एनपीओ की क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें आ रही होती है, कौन कौन सी इनकम हो सकती है, इसके हवाले से हमने डिस्कशन की थी। और हमने लास्ट क्लास में आईकेएफ के पास पेपर स्टार्ट किए थे। तो आज की क्लास में एक और सवाल देखते हैं। अगर हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पेपर वाले हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर टू देखें, क्वेश्चन नंबर टू स्प्रिंग 2017 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर वन है, 20 मार्क की वेटेज है सवाल की। सवाल को रीड करने से पहले अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करूं तो रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू द फ्रॉड कमिटेड बाय द प्रीवियस अकाउंटेंट। यानी कि सवाल में जो एनपीयू का अकाउंटेंट है इसने कोई फ्रॉड वगैरह किया होगा जिसका आपको नंबर वर्कआउट करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016। और हमें सवाल की रिक्वायरमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है। अब हम सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। कहता है द अकाउंटेंट ऑफ लेजर क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड मिस्टर अमार हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। इमाद हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कह रहा है साल के आखिर दिन एक एनपीओ लेजर क्लब ने अपने पुराने अकाउंटेंट को फ्रॉड के नतीजे में फारिग कर दिया और एक नया अकाउंटेंट ढूंढ के लाए इमाद के नाम से, और इमाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पॉइंट नंबर वन, द क्लब हैज 3,300 मेंबर्स एंड द मेंबरशिप फीस 10,000 पर एनम। द फीस पेबल बाय ईच मेंबर becomes due on the first day of the quarter in which he become the member and the fee received in quarter what as follow. इस क्लब के टोटल 3,300 members हैं, 10,000 रुपए पर एनम membership fee है। हर member जिस quarter में join कर रहा है ना उस quarter के पहले दिन fees दे देगा, और हमें चारों quarter में ये fees receive हुई है। फर्स्ट क्वार्टर में 9.9 मिलियन, सेकंड क्वार्टर में 8265, थर्ड क्वार्टर में 5.5 और फोर्थ क्वार्टर में 9350। लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम, हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर वाज सेम। कह रहे नंबर ऑफ मेंबर्स पिछले साल भी 3,300 थे, इस साल भी 3,300 है, बस पिछले साल जो फीस थी वो 9,000 पर एनम थी, इस साल जो फीस है वो 10,000 पर एनम है। तो इन्होंने पॉइंट नंबर वन में सब्सक्रिप्शन के हवाले से एक डाटा दिया है, और बेसिकली इस अकाउंट से, इस इन्फॉर्मेशन से पढ़कर हमें यह लग रहा है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवल वाली कोई कहानी नहीं होगी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वाली कहानी होगी, क्योंकि मेंबर हर क्वार्टर के पहले दिन मेंबरशिप फी पे करेगा पूरे साल की एडवांस में। फिर पॉइंट नंबर टू में कहता है अ समरी ऑफ द बैंक बुक। इन्होंने बैंक बुक की समरी आपको दी है, कैश बुक की नहीं। साल के शुरू में बैंक बैलेंस, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने मेंबर्स, कितना कैश ड्यूरिंग द ईयर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। राइट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, 18,60,000 रुपए के कोई अमाउंट ऐसे थे जो कि राइट ऑफ कर दिए थे, वो हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गए। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो कि बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है। विड्रॉल्स यानी कि पेमेंट्स में हमारे पास इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, यूटिलिटीज, फ्री होल्ड लैंड परचेजेस, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड साल के आखिर में बैंक बैलेंस। तो हमें बैंक बुक से बैंक की रिसीट्स और पेमेंट्स पता चल रही है। पॉइंट नंबर थ्री में कहता है अमाउंट पेड फ्रॉम द पेटी कैश वर एज फॉलो। 2.3 मिलियन की सैलरी आपने कैश से पे की है और 640 के सैलरी एक्सपेंसेस आपने कैश से पे किए हैं। द क्लब हैज अ टक शॉप व्हिच अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश एंड ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 5 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। कह रहा है इसके अलावा इस एनपीओ की एक टक शॉप भी है जिसमें मार्जिन है 20%। यहाँ सिर्फ कैश सेल होती है और जो भी स्टॉक है उसमें से 5 लाख का स्टॉक जल गया है। पॉइंट नंबर फाइव, द ओपनिंग WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट वाज 28 मिलियन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1st October 2016, फिक्स्ड एसेट हैविंग WDV ऑफ 8 लाख बट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 2016 एंड फिक्स्ड एसेट आर डेप्रिशिएटेड एट 20% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। साल के शुरू में 28 मिलियन की WDV है, 1st October 2016 पे एक इक्विपमेंट परचेस किया है, इसकी कॉस्ट हमें बैंक बुक से मिल जाएगी 7.35 मिलियन। फिर हमने एक फिक्स एसेट जिसकी WDV 8 लाख है उसको बेच दिया 31 मार्च 2016 पे, कितने का बेचा ये भी हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, डिस्पोजल फिक्स एसेट 7.5 लाख, और हम 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वर 3,25,000 रिस्पेक्टिवली। साल के शुरू में, साल के आखिर में कैश इन बैंक का बैलेंस 3,25,000 है। द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड थ्रू द स्क्रूटनी ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। फिर हमने रिकॉर्ड्स है क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग और टक शॉप का स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग आइडेंटिफाई कर लिया। और फिर हमें सवाल में लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो कोई बहुत ज्यादा डेटा या बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है, आप लोगों ने सॉल्व कर लेना चाहिए था। एनीवे मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। चलिए सर सॉल्व करते हैं सवाल को। स्प्रिंग 2017 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लेजर क्लब के नाम से। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में लॉस का अमाउंट फ्रॉड की वजह से, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनानी है और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमें बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2016 पे। तो सवाल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने 3 पेजेस या 3 स्पेस इसके लिए छोड़ दिए। अब हम सारी वर्किंग्स को देखते हैं और जो जो वर्किंग से जो जो नंबर निकल आएगा वो अकॉर्डिंगली चीजों में प्लॉट कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 मेरे ख्याल है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट से पर्टेन करता है। पॉइंट नंबर 2 से हमें ये मालूम हो रहा है कि 19.8 की सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो कि हमने बैंक अकाउंट में रिसीव की है, यानी कि बाकी सब्सक्रिप्शन ऐसी होगी जो हमने कैश में रिसीव की होगी। फिर पॉइंट नंबर 3 में पेटी कैश के एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 4 में टक शॉप, पॉइंट नंबर 5 में ओपनिंग फिक्स एसेट का डेटा, पॉइंट नंबर 6 में कैश का ओपनिंग क्लोजिंग और पॉइंट नंबर 7 में कुछ अकाउंट्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे यह है कि इसने फ्रॉड किया है एक अकाउंटेंट ने, तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट ने जो फ्रॉड किया है वो बैंक से करता था, वो बैंक टाइन हो रहा होता या बैंक में चीजें आइडेंटिफाई हो जाती, अमाउंट पता चल जाता। तो इसने जो फ्रॉड किया होगा वो मोस्ट लाइकली कैश में से ही किया होगा कि कुछ कैश उठा के घर ले गया होगा। तो अगर मैं कैश की मूवमेंट बना लूं तो आइडियली तो ओपनिंग क्लोजिंग रिकंसाइल करना चाहिए, लेकिन अगर मूवमेंट के हिसाब से क्लोजिंग कैश कुछ और आता है और जो कैश रह गया वो कुछ और है, तो उसका मतलब है कि बाकी जो डिफरेंशियल कैश है वो हमारा चोरी हुआ है। तो पहले मेरे ख्याल सब्सक्रिप्शन अकाउंट को देख लेते हैं। अब कह रहे हैं इस क्लब के 3,300 यानी कि 3,300 मेंबर्स थे पिछले साल भी, इस साल भी। पिछले साल मेंबरशिप फी 9,000 थी, इस साल मेंबरशिप फी 10,000 है। हर मेंबर जिस क्वार्टर में ज्वाइन किया उस क्वार्टर के पहले दिन मेंबरशिप फी एडवांस में पे कर देगा। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आए तो सर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर चाहिए, कुछ कैश में कुछ बैंक में, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर चाहिए और हमारे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ जाएगा, ऐसा ही है। एक चीज मुझे मालूम है कि बैंक में हमें कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। सर बैंक में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, अगर आप बैंक अकाउंट को देखें तो 19.8 मिलियन की सब्सक्रिप्शन हमें बैंक में रिसीव हुई है। अच्छा, टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है ये भी हमें सवाल में बताया है। इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 1 में द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर आर एज फॉलो। पहले क्वार्टर में 9.9, सेकंड क्वार्टर में 8.25, थर्ड क्वार्टर में 5.5 और फोर्थ क्वार्टर में 9.35। तो इन चारों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 33 मिलियन। यानी कि हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की ना, दैट इज 33 मिलियन। और ये 33 मिलियन होनी भी चाहिए, क्यों? कि भाई अगर 3,300 मेंबर्स हैं और हर मेंबर करंट ईयर में 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो 33 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा, इस सब्सक्रिप्शन में से रिसीव इन बैंक कितने मेंबर्स ने बैंक में सब्सक्रिप्शन दे दी? सर 19.8 मिलियन। तो अगर 19.8 ने बैंक में दी है तो बाकियों ने सब्सक्रिप्शन इन कैश दिया होगा 13.2 मिलियन। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश आ गया 13.2 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर मेंबरशिप फी 10,000 है, पिछले साल मेंबरशिप फी 9,000 थी। तो ड्यूरिंग द ईयर तो जिन जिन की सब्सक्रिप्शन एंड हो रही है और वो नए साल की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं तो उन सबने तो 10,000 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, तभी तो 3,300 मेंबर के 10,000 के हिसाब से 33,000 रिसीव हुए हैं, 33 मिलियन रिसीव हुए। और हमें जो चारों क्वार्टर के अमाउंट का टोटल दिया वो भी कितना है, 33 मिलियन। बैंक अकाउंट से पता चल गया कि 19.8 की सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट में मिली है। तो अगर 33 मिलियन में से 19.8 बैंक में मिला है तो बाकी कैश में मिला होगा। ये मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्लॉट कर दिया,
अब हम किसी तरह सॉरी अब हम किसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी, ऐसा ही है, या सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां देखो सर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, तुम्हें यह मालूम है कि इन चारों क्वार्टर में करंट ईयर में, इन चारों क्वार्टर में करंट ईयर में कितने कितने मेंबर्स ने कितनी कितनी फीस दी। करंट ईयर में जिस मेंबर ने फी दी होगी वो 10,000 के हिसाब से दी होगी। तो अगर मैं करंट ईयर के क्वार्टर में, अगर मैं पहले क्वार्टर को देखूं तो 9.9 मिलियन आ रहा है और एक बंदे की फी है 10,000, तो 9.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 कर दूं तो 990 मेंबर्स पहले क्वार्टर के हैं, ऐसा ही है। इसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर के 8250 डिवाइड बाय 10,000 करें तो 825 सेकेंड क्वार्टर के हैं मेंबर्स। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के 550 और 935 इतने इतने मेंबर्स हैं हर क्वार्टर में जिन्होंने मेंबरशिप फी पे की है, ऐसा ही है। सर हम ओपनिंग कैलकुलेट करना चाहें, क्लोजिंग कैलकुलेट करना चाहें, दोनों कैलकुलेट करना चाहें, शॉर्टकट तरीके से, लॉन्गकट तरीके से, हर तरीके से देख लेंगे। पहले मैं कैलकुलेट करता हूं ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जिन लोगों ने पिछले साल, जिन लोगों ने पिछले साल पहले क्वार्टर में, यानी कि 990 लोगों ने 9,000 रुपए दिए होंगे और पिछले साल के आखिर में या करंट ईयर के स्टार्ट में इनकी कितनी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की रह गई होगी, जीरो, सर जीरो कैसे भाई, अगर किसी मेंबर ने पिछले साल के पहले क्वार्टर में दिए पैसे तो पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में सारी एग्जॉस्ट हो गई, तो पिछले साल के आखिर में या करंट ईयर के स्टार्ट में इनकी सब्सक्रिप्शन एडवांस कुछ भी नहीं होगी, ऐसा ही है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 825 लोगों ने 9,000 दिए थे और चूंकि इन्होंने पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ज्वाइन किया था तो इनका दूसरा तीसरे चौथे चार में से तीन क्वार्टर की इनकम इनकम बन गई होगी, एक क्वार्टर की अमाउंट सब्सक्रिप्शन इन एडवांस होगी तो मल्टीप्लाई बाय 4/1/4 कर दें। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर के 550 इंटू 9,000 इंटू 2/4 और फोर्थ क्वार्टर के 935 इंटू 9,000 इंटू 3/4 ये हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। क्या ये समझ आ रहा है मैं? इसी तरीके से मैं क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कितने कितने लोग हैं? 990, 825, 550 और 935। अब इस साल में इन्होंने कितने कितने दिए हैं? 10,000 रुपए। अब इस साल के पहले क्वार्टर में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में जिसने 10,000 दिए, साल के आखिर तक कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा? 0.4। इस साल जिन्होंने सेकंड क्वार्टर में पैसे दिए हैं तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि तीन क्वार्टर की इनकम बन गई, एक क्वार्टर का अमाउंट एडवांस में होना चाहिए, थर्ड क्वार्टर वाले का दो क्वार्टर का अमाउंट एडवांस में होना चाहिए और फोर्थ क्वार्टर वाले का तीन क्वार्टर का अमाउंट एडवांस में होना चाहिए। क्या ये समझ आ रहा है सबको? तो इसका अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 1,1,825,000। सर अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का अमाउंट है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 1,0,642,500 और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 1,1,825,000
825000, तो मैं बैलेंसिंग सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट कर सकता हूँ 31। क्या ये समझ आ रहा है सबको? सर समझ तो आ रहा है लेकिन स्टिल कंफर्टेबल नहीं है कि ये अमाउंट सही भी है या नहीं, तो क्या कोई जुगाड़ है इसको कैलकुलेट करने की? यहां देखो, जो लोग 990 पहले क्वार्टर के हैं, जो कि इस साल भी पहले क्वार्टर में आए, तो इनकी तो पूरे साल की इनकम 10,000 के हिसाब से होगी। तो अगर मैं 990 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/4 करूं, तो इन 990 लोगों की पूरे साल की इनकम 10,000 पर एनम के हिसाब से होनी चाहिए। कितना? 9.9 मिलियन। अच्छा, जो 825 लोग सेकंड क्वार्टर के हैं, इनका पिछले साल में एक क्वार्टर का अमाउंट इस साल का 9,000 के हिसाब से है, बाकी तीन क्वार्टर का 10,000 के हिसाब से है। समझ आ रहा है? जो 825 लोग हैं, जो कि पिछले साल सेकंड क्वार्टर में आए थे, तो उन्होंने तो 9,000 दे दिए एक साल के, 9,000 रुपए दिए एक साल के चार क्वार्टर के जिसमें से तीन क्वार्टर की इनकम पिछले साल रिकॉर्ड हो गई, एक क्वार्टर की इनकम इस साल रिकॉर्ड हुई 9,000 के हिसाब से। फिर इन्होंने 10,000 दिए इस साल में, इस 10,000 में से 4,000 रुपए की इनकम, सॉरी, चार में से तीन क्वार्टर की इनकम करंट ईयर रिकॉर्ड हुई, एक क्वार्टर की इनकम अगले साल रिकॉर्ड होगी। तो यानी कि 825 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 825 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं सिर्फ एक एडिशनल मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये नंबर सही कैलकुलेट किया। 8043। फिर इसी तरह जो पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के लोग थे, इन्होंने पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 9,000 के सबसे फीस दी थी, पिछले साल दो क्वार्टर की इनकम रिकॉर्ड हो गई थी, इस साल दो क्वार्टर की इनकम रिकॉर्ड होगी, तो 550 इंटू 9,000 इंटू 2/4। और इस साल सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने मजीद 10,000 दिए, और इस साल इस 10,000 में से सिर्फ दो क्वार्टर की इनकम रिकॉर्ड होगी। ऐसा ही होगा? कितना? 5,000 2,7475000। और इसी तरह जो लोग पिछले साल लास्ट क्वार्टर में आए, तो 9,000 का 1/4 पोर्शन पिछले साल इनकम, 9,000 का 3/4 पोर्शन इस साल की इनकम। ये गलत है? 5,225,000। कोई बात नहीं, 935 की 9,000 की तीन क्वार्टर की इनकम, और 935 की 10,000 की एक क्वार्टर की इनकम। अब अगर इन सब का टोटल करें तो जरा देखो, क्या ये 31,817,500 बन रहा है? चेक कर लो, बन रहा है? तो ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया था, बस सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कैलकुलेट भी कर लिया, पहले मैंने बैलेंसिंग रख दिया था। कैलकुलेट दिखाइएगा। अरे मैं कुछ और देख रहा हूं। सर ये सिर्फ मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग आ गया था। अच्छा एक और शॉर्टकट, मैंने जब ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैलकुलेट किया तो मेरे पास एक नंबर आ गया, ये नंबर 990 लोगों की कोई भी फीस नहीं है, ये नंबर 825 लोगों की 9,000 का 1/4 हिस्सा है, ये नंबर 550 लोगों का 9,000 का 2/4 हिस्सा है, और ये नंबर 935 लोगों का 9,000 रुपए का 3/4 हिस्सा है। ऐसा ही है? अगर मुझे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है, मुझे ये मालूम है ये अमाउंट इन इन मेंबर्स की 9,000 रुपए के हिसाब से आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो अगर मैं इसी नंबर को 1,064,2500 मल्टीप्लाई बाय 10,000
डिवाइडेड बाय 9000 कर दूं तो मेरे पास क्या ये क्लोजिंग आ जाएगी? क्या ये क्लोजिंग आनी चाहिए? देखो आ रही है या नहीं? सर आ तो रही है, लेकिन किस लॉजिक के बैक पे? देखो हाँ, जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करो। जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करो। हमें मालूम है इस पॉइंट पे इतने इतने मेंबर्स की इतनी इतनी फीस 9000 के सबसे ड्यू थी। इस पॉइंट पे इतने इतने ही मेंबर्स इतने इतनी फीस 10000 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो 9000 के हिसाब से अगर आउटस्टैंडिंग इतना बन रहा है तो इसी नंबर को डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग भी इजीली आ सकता था। क्या ये समझ आ रहा है हमें? अब प्लॉट करते हैं चीजों को। सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स है, क्या क्या चीजें हमारी बैलेंस शीट पे जाएगी, क्या क्या चीजें हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, क्या क्या चीजें हमारी लॉस की वर्किंग में जाएगी। गौर से देखिएगा सर, बैलेंस शीट पे हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट और करंट, उसके बाद फंड्स, फंड्स के बाद लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में भी नॉन करंट और करंट। सर जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये एसेट है लायबिलिटी है? ये एसेट है लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, एडवांस में रिसीव कर लिया, लायबिलिटी हमारे लिए। करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, दोनों है? करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है या दोनों है? सर सारा का सारा अमाउंट करंट लायबिलिटी है, क्योंकि यहां पे तो वो मैक्सिमम एक साल की फीस ही दे रहा है ना। वो तो पिछले सवाल में तीन तीन साल की फीस एडवांस में दे रहा था, तो मैंने करंट नॉन करंट में तोड़ा था। यहां तो वो एक साल की फीस ही दे रहा है मैक्सिमम, तो जो कुछ भी होगा वो हमारा करंट होगा। दैट इज 11825000। समझ आ रहा है हमें? तो ये नंबर हमारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। अच्छा ये नंबर जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं सबसे पहले दिखा देता हूं सब्सक्रिप्शन इनकम, दैट इज 318175000। और लॉस के लिए हमें कैश की मूवमेंट बनानी है, तो कैश की मूवमेंट में सबसे पहले तो आ जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। ये सवाल में कहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 3,00,000। सर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 33 मिलियन की, जिसमें से 19.8 मिलियन बैंक में चलेगा डायरेक्ट। तो कैश में कितने मिले? 13.2 मिलियन। तो कैश के मूवमेंट में सब्सक्रिप्शन इन कैश 13.2 मिलियन आ जाएगा। ये जो पैसा आया 33 मिलियन का, उसमें से 19.8 और 13.2 मिलियन हमारा बैंक और कैश में गया है। क्या ये समझ आता है हमें? ठीक है, एनपीओ के सवाल में मैं जो अब तक समझा हूं ना, अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मैनेज कर लिया ना, फिर सवाल में कुछ रहता नहीं है। कोई 40-50% वेटेज ही सब्सक्रिप्शन मार्क की है, अकाउंट की है, क्योंकि इसमें थोड़ी नई काम करना है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। तो यहां तक हमारा ख्याल है कि हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट की एडजस्टमेंट नंबर 1 को किल कर दिया है। कॉपी करें इसे, तो फिर हम बाकी एडजस्टमेंट पे आते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 में तो बैंक स्टेटमेंट की पूरी एक मूवमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश आर एस फॉलो, हमने 2.3 मिलियन की सैलरीज और 640 के सन्द्री एक्सपेंसेस कैश से पे किए हैं। अच्छा सैलरीज और सन्द्री एक्सपेंसेस के हवाले से कोई चीज हमारे बैंक अकाउंट में आ रही है अगर देखे तो? नहीं सर, सैलरी और सन्द्री एक्सपेंसेस हमारे बैंक अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आ रहा। और सैलरीज और सन्द्री एक्सपेंसेस के हवाले से मेरे ख्याल है कोई ओपनिंग क्लोजिंग भी एडजस्टमेंट नंबर 7 में नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्रेडिटर्स, प्रीपेड रेंट और स्टॉक शॉप की स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 में सैलरी और सन्द्री एक्सपेंसेस जो हमने पे किए, इसे हम डायरेक्टली अपनी इनकम स्टेटमेंट में दिखा दें। सर सैलरी एक्सपेंस और सन्द्री एक्सपेंस कितना पे किया? 2.3 मिलियन और 640। तो 2.3 मिलियन के एक्सपेंस सैलरी का
और 6,40,000 रुपए का एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस हमने पे किए, ये हमने कैसे पे किए, तो कैश में भी इनको दिखा देता हूं। सन्ड्री एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस 2.3 मिलियन और 640। एडजस्टमेंट नंबर 3 टक शॉप से पटेन करती है। अब टक शॉप को अगर सॉल्व करेंगे तो टक शॉप से पटेनिंग सारी चीजों को एक जगह कट के आना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहता है द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 5 लाख वॉज डिस्ट्रॉइड। अब पॉइंट नंबर 4 में टक शॉप का डेटा है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो टक शॉप से पटेनिंग कोई चीज आ रही है? सर पॉइंट नंबर 2 में मेरे ख्याल है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये 18.155 मिलियन क्रेडिटर्स की जो पेमेंट की है, ये टक शॉप का स्टॉक परचेस करने के लिए पेमेंट की होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है, सॉरी पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग और इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है। तो अब ये 3-4 इंफॉर्मेशन को एक जगह करके मैं कुछ ना कुछ निकाल ही लूंगा। यहां देखें सर, टक शॉप मैं एक अकाउंट बना लेता हूं क्रेडिटर का, एक अकाउंट बना लेता हूं इन्वेंट्री या स्टॉक का। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 2.5 मिलियन और 3.33 मिलियन। तो क्रेडिटर का ओपनिंग आ जाएगा 2.5, क्लोजिंग आ जाएगा 3.33 मिलियन। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? सर स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग है 2.3 और 2.5। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि मार्जिन है 20%, सारी की सारी सेल कैश में है और स्टॉक 5 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया और क्रेडिटर को पेमेंट कितनी की है? 3.5। सही है, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी। सर क्रेडिटर को पेमेंट की 18,155,000, तो क्रेडिटर के अकाउंट में डाल दें। तो यहां से बैलेंसिंग परचेजेस आ जाएगा, जो परचेजेस की होगी वही इन्वेंट्री के अकाउंट में गई होगी 1,89,85,000। जो ओपनिंग है परचेजेस से क्लोजिंग है तो बैलेंसिंग कॉस्ट आ जाएगा नहीं, 5 लाख का स्टॉक लॉस भी तो हुआ है तो ये भी अलग से दिखाना पड़ेगा, लॉस फायर बाय फायर 5 लाख। अब बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 1,82,85,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई और 20% मार्जिन है तो सेल आ जाएगी कैसे? 1,82,85 × 100/80 ये नहीं करेंगे, मार्जिन है ना 20% ऑफ सेल्स, तो सेल को 100 मान लिया, टू टू एट फाइव सिक्स टू फाइव जीरो। और सेल्स इतनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स था हमारे पास 1,82,85,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना? इसका ही 20% कर लें या दोनों का डिफरेंशियल ले लें?
सही हो गया। अब सारी चीजें आ गई हैं, चीजों को प्लॉट कर सकते हैं। यहां देखें, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या सबसे पहले बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं वो लायबिलिटीज में आएंगे, वो थे 3.33 मिलियन। बैलेंस शीट पे जो स्टॉक है वो करंट एसेट में आएगा, वो था 2.5 मिलियन। सबको पता ही नंबर्स कहां से उठाएं, 3.3 ये रहा, 2.5 ये रहा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम टक शॉप, प्रॉफिट कितना है 4571250, और ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो इन्वेंट्री चोरी हुई वो भी, सॉरी जो इन्वेंट्री जल गई वो भी तो नुकसान है, तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री 5 लाख। सही है। अच्छा एक चीज उन्होंने बताई थी, टक शॉप से जो भी सेल होती है वो कैश में होती है, तो जो सेल हुई है उतना कैश आया होगा 2285625 कैश सेल 2285625 क्या ये समझ आता है हमें? तो मेरा ख्याल है टक शॉप से पर्टेनिंग जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने मैनेज कर लिया। पॉइंट नंबर 5, सर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट नंबर 7 में अवेलेबल था, मैंने क्रेडिटर्स के अकाउंट से पहले परचेजेस निकाला, क्या अगर क्रेडिटर का ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, इतनी पेमेंट की है तो बैलेंसिंग परचेजेस होंगी, जितनी परचेजेस की होगी उतनी ही परचेजेस इन्वेंट्री में आई होगी। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस अवेलेबल है और 5 लाख की इन्वेंट्री लॉस हो गई थी ड्यू टू फायर, तो 5 लाख की इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड पर लॉस दिखाकर बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लिया। सही है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, द ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट इज 28 मिलियन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन 1st October 16, फिक्स एसेट हैविंग ओपनिंग WDV ऑफ 8 लाख वॉज डिस्पोज ऑन 31 मार्च 2016, फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड टू 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब एक एसेट बेचा एक एसेट खरीदा है 1st October 16 पे और 31 मार्च 16 पे, अगर बैंक देखें तो बैंक से पता चल रहा है कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हुआ है 7 लाख रुपए का और इक्विपमेंट खरीदा है 7.35 मिलियन का। यहां देखें सर, फिक्स एसेट से पर्टेनिंग एडजस्टमेंट्स करता है, यहां देखो सर, एक एसेट जिसकी ओपनिंग WDV थी 8 लाख, इसको हमने ड्यूरिंग ईयर बेचा है, कब बेचा है, 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने एसेट हमारे पास रहकर डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन एट 20% 8 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 40,000, तो यानी कि इसकी WDV रह गई 760 31 मार्च 16 पे, और फिर इसको सेल किया 7.5 लाख का, तो 10,000 का लॉस आ गया। इसके बाद एक इक्विपमेंट परचेज किया था मेरे ख्याल 1st October 16 पे, इसकी कॉस्ट कितनी है 7350, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 7350 का 20% और अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने का 367500, इसकी WDV रह जाएगी 31 दिसंबर 16 पे कितने 698 तो ये डिस्पोज ऑफ किया, ये एक्वायर किया। अब रिमेनिंग जो है इनकी ओपनिंग WDV कितनी है 28 मिलियन, इसमें से एक एसेट ऐसा है जिसका मैंने डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करके
डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो मैं लेस कर देता हूं डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इज 760। नहीं, ओपनिंग हटा रहे हैं ना, तो ओपनिंग ही हटाएंगे 8 लाख। सही। इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का चार्ज होगा 5440। तो हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी 31 दिसंबर 2016 पे रह जाएगी 2176000। तो ये हमने फिक्स एसेट से पर्टेनिंग नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। बस अब लास्ट हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000 का डिस्पोज ऑफ एसेट पे, 367,500 एडिशन पे, और बाकी सारे एसेट पे 5440000। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। और हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, सर जो एसेट बेच दिया वो तो गया, जो एसेट खरीदा उसकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 6982500, और जो एसेट पूरे साल रहे उनकी डब्ल्यूडीवी 2176000। लैंड भी है, चलो अलग दिखा देंगे ना उसको, उसको अलग। क्या ही समझ आ रहा है, मैं कोई चीज ना समझ आ रही है तो पूछे। ये देखो, जो एसेट बेच दिया वो तो गया, जो एसेट खरीदा वो साल के आखिर में है, और बाकी सारे जो एसेट से जो डेप्रिशिएट हुए वो भी साल के आखिर में है। इसकी डब्ल्यूडीवी और इसकी डब्ल्यूडीवी, तो टोटल डब्ल्यूडीवी, हाँ क्योंकि ये तो पूरे साल ही रहे ना एसेट। जो बेच दिया था उसका 3 महीने लग रहा, खरीदा कैलकुलेट किया, जो ड्यूरिंग द रिक्वायर किया उसका 3 महीने का अलग कैलकुलेट। जी हम सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या समझाऊं। देखो साल के शुरू में तुम्हारे पास जो फिक्स एसेट थे उसकी डब्ल्यूडीवी थी 28 मिलियन, इसमें से एक एसेट ऐसा है जिसकी डब्ल्यूडीवी 8 लाख है, उसको ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया, तो मैंने उसको पहले अलग किया, उसका डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी सेल प्रोसीड लॉस ऑन डिस्पोजल। फिर एक इक्विपमेंट हमने करंट ईयर में खरीदा, उसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, बाकी कुछ एसेट ऐसे भी तो हैं जो खरीदे नहीं, साल के पहले से थे और साल के आखिर तक रहे, उनका डेप्रिसिएशन। टोटल डब्ल्यूडीवी 28 मिलियन, इसमें से एक एसेट जो ड्यूरिंग द बेच दिया क्योंकि उसकी वर्किंग अलग कर दी, तो उसको यहां से निकाल दिया, तो ये वो एसेट आ गए जो कि हेल्ड फॉर द होल ईयर थे। इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो इनकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई। तो डेप्रिसिएशन क्या है, 40,000, 3,67,000 और 5440000, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। जो बेच दिया वो तो गया, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा वो भी साल के आखिर में है, और बाकी सारे एसेट भी साल के आखिर में है, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई। समझ आ रहा है सबको। क्योंकि 1 अक्टूबर 2016 पे खरीदा है ना, सही है। अब प्लॉट करते हैं चीजों को, यहां देखें सर, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट जाएगा, दैट इज 28742500। फिर हमारे पास बैलेंस शीट पे मेरा नहीं ख्याल है और कुछ जाएगा। फिर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 5847500। फिर हमारे पास एक एसेट पे लॉस ऑन डिस्पोजल आया, दैट इज 10,000। अब इक्विपमेंट की पूरी ट्रांजेक्शन में कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई है, खरीदा भी बैंक से, बेचा भी बैंक से, और डेप्रिशिएशन तो नॉन कैश है, तो इसका इस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सर सुनिएगा, किसी ने सवाल पूछा कि आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से जो एसेट बेच दिया उसकी डब्ल्यूडीवी हटा दी, तो जो एसेट खरीदा उसकी डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं हटाई, क्योंकि जो एसेट खरीदा वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा,
जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदा तो वो तो ओपनिंग डब्ल्यूटी में होगा ही नहीं ना, जो एसेट खरीदा वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदा तो वो तो ओपनिंग डब्ल्यूटी में होगा ही नहीं, तो हटाने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये समझ आता है? मैं कॉपी करें इसे, तो फिर इसके बाद बस अब क्लोज करना है सवाल हमें। चले सर आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर थ्री, एडजस्टमेंट नंबर फोर, फाइव, सिक्स, तकरीबन हम देख चुके हैं एडजस्टमेंट नंबर सेवन। एडजस्टमेंट नंबर सेवन में भी जो क्रेडिटर्स और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग था उसको हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं। तो लास्ट आइटम है हमारे पास प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का एक टी अकाउंट बना लेते हैं। प्रीपेड रेंट इज आर एसेट। हमारे पास प्रीपेड रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है 168 और 175, 168,000 और 175,000। हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट या बैंक बुक है उसमें हमें यह पता चल रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर रेंट पे कितना किया। अगर हम अपने पास बैंक बुक में देखें तो हमारे पास रेंट की पेमेंट आ रही है 4.2 मिलियन। अब जब रेंट पे किया होगा तो कैश क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट, सॉरी बैंक से, तो बैंक क्रेडिट प्रीपेड रेंट डेबिट किया होगा 4.2 मिलियन। इस टी अकाउंट से बैलेंसिंग रेंट एक्सपेंस आ जाएगा 4,193,000। तो 4,193,000 का जो रेंट एक्सपेंस है उसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देता हूं। एज रेंट एक्सपेंस 4,193,000, और जो प्रीपेड रेंट है वो हमारी बैलेंस शीट पे एसेट बन जाएगा। प्रीपेड रेंट 175,000। अब मेरे ख्याल है मैंने एडजस्टमेंट सारी मैनेज कर ली है। एडजस्टमेंट नंबर टू को किल कर देते हैं हम। एडजस्टमेंट नंबर टू को अगर आप देखें तो हमारे पास बैंक का ओपनिंग आ रहा है 3.75 मिलियन के करीब। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 37,848,500 का कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो कैसे वो पैसा गया होगा? तो डिपॉजिटेड इन बैंक दैट इज 37,848,500। तो कैश कम हुआ होगा, बैंक में पैसे गए। फिर रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड 18,16,000 रुपए की अमाउंट्स जो कि राइट ऑफ हो चुकी थी वो रिकवर हुई, तो वो हमारे पास इनकम है। तो मैं इनकम में दिखा देता हूं, अदर इनकम का नाम दे दें इसे 1,860,000। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन बैंक, ये भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देख चुके हैं। विड्रॉल साइड पर आए तो इंश्योरेंस 1,75,000 रुपए का इंश्योरेंस और कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो जो इंश्योरेंस पे किया वही इंश्योरेंस एक्सपेंस है 175,000। फिर हमारे पास आ रहा है रेंट एंड रेट्स, ये हम देख चुके हैं। यूटिलिटीज, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो जो यूटिलिटीज पे की वही एक्सपेंस होगी, दैट इज 4,365,000। इसके बाद आ रहा है फ्री होल्ड लैंड परचेस, 17 मिलियन की हमने लैंड परचेस की है, तो इसे एक्सपेंस नहीं बल्कि बैलेंस शीट पे ले जाते हैं। फ्री होल्ड लैंड 17 मिलियन। इसके बाद कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जो बैंक से कैश निकलवाया होगा खर्चा वर्चा करने के लिए, तो इससे हमारे कैश में पैसे आए होंगे 6,120,000। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसे हम देख चुके हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई अपने क्लोजिंग नहीं, तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है यही हमारा एक्सपेंस होगा 7,00,000। और फिर हमारे पास एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये हमने परचेस किया था, कैश सॉरी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 5,894,000, ये हमारी बैलेंस शीट पे चला जाएगा 5,894,000। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर तकरीबन बना लिया है, बैलेंस शीट भी जो जो चीजें कैलकुलेट करनी थी बना ली है, लॉस के अमाउंट को देखते हैं। सर अगर हम एडजस्टमेंट नंबर सिक्स को देखें तो
ओपनिंग कैश था 3 लाख, क्लोजिंग कैश है 25,000, तो आइडियली तो ये मूवमेंट के बाद 25,000 ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास कैश है कितना, मतलब कितना बनना चाहिए, 1687750 इतना कैश होना चाहिए, और कैश क्लोजिंग इन एक्चुअल 25,000 का कैश होना, 16 लाख का कैश होना चाहिए था, 25,000 का कैश है, तो बाकी हमारा लॉस फ्रॉम फ्रॉड है 1662750, ऐसा ही है। अब जो फ्रॉड का लॉस हुआ ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लॉस फ्रॉम फ्रॉड दैट इज 1667250। तो हमारे पास 1667, तो हमारे पास इनकम और एक्सपेंस का सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा 1785500, ये सरप्लस आ गया। सर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, हमारे पास कैश इन बैंक कैश बुक से ये चीजें भी हमने मैनेज कर ली। अच्छा कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी आपकी बैलेंस शीट पे जाएगा 25,000। अब हमारे पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, करंट लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट एसेट करंट एसेट्स हैं। फंड्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई डेटा ही नहीं दिया इन्होंने, तो अब मैं मुनासिब करने के लिए एक्युमुलेटेड फंड्स एज बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकता हूं। हम सारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल ना 5433650 के एसेट, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड्स एज अ बैलेंसिंग नंबर हम देख लेंगे फिर 5433650 माइनस 1182500 माइनस 3330000 तो हमारे पास फंड्स और लायबिलिटीज का भी टोटल 54। सर सरप्लस भी तो आएगा, चले यहाँ देखें यूं कर लेते, नहीं सही किया उस्मान ने। अब फंड्स को यूं दिखा दे, सुने ओपनिंग सरप्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना था उस्मान 1, अभी जो आपने बताया था नंबर यहाँ पे 391, देखो इतना क्लोजिंग है फंड्स का बैलेंसिंग नंबर, टोटल एसेट्स कैलकुलेट किए लायबिलिटीज माइनस कर दी तो फंड्स आ गया बैलेंस। अच्छा इस क्लोजिंग फंड में से सरप्लस कितनी है, कितना है 1785500 है ना, सही है ये चेक कर ले सही है गलत है। तो अगर क्लोजिंग इतना है और सरप्लस इतना है तो ओपनिंग और बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने पहले ये मूवमेंट नहीं दिखा दी, डायरेक्ट ये दिखा दिया था। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, कॉपी करने सर इसे।